myself Mr. Roshan Kumar, and today I am going to discuss about NEET. NEET एक national level का medical entrance exam है. NEET का full form होता है National Eligibility Cum Entrance Test, और ये एक medical test है जो कि एक national level पर होता है. ये एक NEET exam हर एक साल every year conduct होता है एक एजेंसी के थ्रू जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको शॉर्ट फॉर्म में NTA बोलते हैं. कंडक्टेड एवरी ईयर टू गेट एडमिशन इन वेरियस मेडिकल कोर्सेज लाइक MBBS विच इज नोन एज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी विच इज ऑफ 5.5 ईयर कोर्स. MBBS 5.5 ईयर कोर्स होता है. इसी के थ्रू BAMS में भी एडमिशन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी 5.5 ईयर का कोर्स होता है. इसी के थ्रू BHMS में भी एडमिशन होता है इसी के काउंसलिंग के थ्रू जिसका नाम होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथ मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी 5.5 ईयर कोर्स होता है. जितना भी मेडिकल कोर्सेस हैं जैसे MBBS BAMS BHMS ये सब 5.5 ईयर कोर्स है. लेकिन पिछले कुछ सालों से BSc नर्सिंग का भी एडमिशन नीट के काउंसलिंग के थ्रू होने लगा है. कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जैसे BHU AMU BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बनारस में है, इसका स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था. इसमें BSc नर्सिंग के लिए काउंसलिंग नीट के थ्रू होता है और इसी से एडमिशन होता है. चूँकि ये सब नेशनल इंस्टीट्यूट है तो इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है BSc नर्सिंग कोर्स के लिए. तो BSc नर्सिंग का भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में BSc नर्सिंग करने के लिए नीट के थ्रू काउंसलिंग होता है. अब हम आगे देखते हैं. अभी मैंने बताया कि इसका कंडक्टिंग बॉडी NTA है. NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. पहले इसका CBSE हुआ करता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन पहले इसका हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट का एग्जाम लेती है, वही इसका कंडक्टिंग बॉडी है. अब ट्वेल्थ करने के बाद नीट का एग्जाम तभी दे सकते हैं जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PCB से क्लास ट्वेल्थ किए हों. इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11 और 12 दोनों का बहुत ज़रूरी है. अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसमें कम से कम 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए तब आप नीट का एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए तब आप नीट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए एलिजिबल हैं. इसके सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कि 11 का और 12th का दोनों का ज़रूरी होता है. नीट एग्ज़ाम नॉर्मली 7 लैंग्वेज में कंडक्ट होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश एक कंपलसरी होता है. अगर आप अल्टरनेटिवली कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं जैसे तमिल कन्नड़ जो भी करते हैं तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होता ही होता है. जैसे आप पेपर फॉर्म भरते समय अगर आप हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट किए हैं तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी पेपर में रहेगा क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल्सो कंपलसरी. अगर पेपर पैटर्न की बात करें, नीट एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न की बात करें तो 3 आवर का होता है और इसको 4 पार्ट में बांटा गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, और हर एक पार्ट में 2-2 सेक्शन रखा गया है, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2. इसको सेक्शन A और सेक्शन B से देखते हैं. फिजिक्स में के सेक्शन 1 में 35 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन B में 15 क्वेश्चन होते हैं. जो सेक्शन A होता है चाहे वो फिजिक्स का हो केमिस्ट्री का हो बॉटनी का हो या जूलॉजी का हो वो कंपलसरी होता है. मतलब 35 क्वेश्चंस आपको बनाने ही बनाने हैं, वो मैंडेटरी होता है. लेकिन जो सेक्शन B का 15 क्वेश्चन होता है इसमें से सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं और यू कैन लीव 5 क्वेश्चन, आप 5 क्वेश्चन लीव कर सकते हैं क्योंकि टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 180 क्वेश्चन ही होना चाहिए. टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 180 क्वेश्चन ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं. केमिस्ट्री में भी कुछ इसी तरह का, केमिस्ट्री के सेक्शन 1 में 35 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के सेक्शन A में 35 क्वेश्चन रहेंगे,
सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। बोटनी और जूलॉजी में सेम इसी तरह से है, इसी तरह से टोटल 180 क्वेश्चन रहता है, 720 मार्क्स का रहता है, 720 मार्क्स का रहता है और सेक्शन ए कंपलसरी होता है। अब आइए देखते हैं OMR फिल करने का पैटर्न क्या होता है, OMR में हमको क्या क्या फिल करना पड़ता है। सबसे पहली बात, OMR जो क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखना होता है, या आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन नंबर लिखने का भी स्पेस दिया हुआ था, रोल नंबर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर पे रोल नंबर लिखने का स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप रोल नंबर, यहाँ पे आप रोल नंबर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर भी लिखने का स्पेस होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख सकते हैं, सिग्नेचर आपको मैंडेटरी है, आपको करना ही करना पड़ेगा, इंग्लिश सिग्नेचर विथ अ टाइम, आप कौन से टाइम में सिग्नेचर कर रहे हो, थंब इम्प्रेशन भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि प्राइवेसी को देखते हुए दो सेक्शन में बांटा हुआ है, OMR शीट दो सेक्शन में बांटा हुआ है, ये है सेक्शन ए और ये है क्या है सेक्शन बी, ये सेक्शन ए है और ये क्या है सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन दिया हुआ है और सेक्शन बी में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 200 होंगे क्योंकि नीट 2022 से क्वेश्चन पैटर्न में चेंज हुआ है, पहले जहां 180 क्वेश्चन आते थे और 180 के 180 टोटल बनाने होते थे, अब वहीं पे 200 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से 180 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो इसी को देखते हुए OMR शीट में चेंज किया गया है। जो शुरू के सेक्शन ए के जो 35 क्वेश्चन है उसको कंपलसरी रखा गया है और जो लास्ट में जो सेक्शन बी है उसमें 15 कॉलम दिया गया है 15 क्वेश्चन के लिए, जिसमें सिर्फ किसी भी 10 क्वेश्चंस को बनाने हैं। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर के लिए है, यहाँ पे थंब इम्प्रेशन के लिए स्पेस दिया हुआ है, ये एक स्पेशल कोड होता है, OMR का स्पेशल कोड होता है जो कि क्वेश्चंस पेपर के कोड से मिलते जुलते हैं। अगर यहाँ पे M1 कोड दिया हुआ है आंसर शीट में तो क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा जो M1 कोड का ही मिलेगा, तो आप OMR शीट निकालते वक्त आपको अपना कोड मैच करना होता है कि आपको जो कोड पेपर वाला मिला है वो आपका OMR में है या नहीं है। यहाँ पे आप टेस्ट बुकलेट नंबर भर सकते हैं, टेस्ट बुकलेट नंबर क्वेश्चंस में होता है जो कि देखकर इसमें भरना होता है कि जो आपको टेस्ट बुकलेट मिला है, जो क्वेश्चंस पेपर मिला है उसमें जो बुकलेट नंबर है वो इसमें भरना है ताकि बाद में हम इससे मैच कर सकें। यहाँ पे देखते होंगे कि जो राउंड राउंड स्पेस है उसको फिल करने का एक तरीका होता है, राउंड स्पेस को फिल करना, अंदर फिल करना होता है पूरी तरह से, कुछ अलग मेथड में फिल नहीं करना होता, ऐसा नहीं कि हम इस तरह से फिल कर दें, ये फिल करने का कोई पैटर्न नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इस तरह से फिल कर दें या फिर कुछ इस तरह से कर दें या फिर कुछ इस तरह से कर दें, इसको फिल करने का एक प्रॉपर, या हाफ फिल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि हम इधर नीचे करके हम पूरा इस तरह से हाफ फिल कर दें, फिल करते वक्त ये राउंड स्पेस से बाहर नहीं निकलना चाहिए, फिल करते समय इंक इस राउंड स्पेस से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए। इसको फिल करने का एक प्रॉपर तरीका होता है जो कि इस तरह से होता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप अंदर से बाहर की ओर फिल करते हैं या फिर बाहर से अंदर की ओर फिल करते हैं। फिल करते समय इधर बाहर नहीं निकलना चाहिए, इंक बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये राउंड स्फीयर के अंदर ही रहना चाहिए। ये हमारा नेशनल टेस्टिंग बॉडी एजेंसी है जो जिसका स्लोगन क्या है, टू इम्प्रूव इक्वालिटी एंड क्वालिटी इन एडुकेशन फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो आपको ईच करेक्ट आंसर 4 मार्क्स मिलेंगे और ईच रॉन्ग आंसर आपको 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। हर एक सही प्रश्न पर आपको 4 नंबर मिलेंगे और हर एक गलत प्रश्न पर 1 नंबर काट लिए जाएंगे। अगर इस ईयर की बात करें, 2022 की बात करें, तो एप्लीकेशन बिगिन हो गया था 6 अप्रैल 2022 को, एप्लीकेशन फॉर्म नीट का फॉर्म होना चालू हो गया था और लास्ट डेट एप्लीकेशन का था 20 मई 2022, 20 मई को लास्ट दिन था
नीट के एप्लीकेशन फॉर्म का, और एग्ज़ाम डेट 17 जुलाई को है, एग्ज़ाम डेट 17 जुलाई का है, नीट का एग्ज़ाम डेट 17 जुलाई का, और इसका टाइमिंग होता है 2 PM to 5 PM, इसका टाइमिंग होता है 2 PM से लेके 5 PM तक होता है, इवनिंग टाइम में होता है, इसका क्या होता है इवनिंग टाइम में इसका एग्ज़ाम होता है। अगर फॉर्म के फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 1600 रुपया फॉर्म फ़ी लगेगा, और EWS और OBC वाले को 1500 रुपया फॉर्म फ़ी लगेगा, SC ST और PH वालों के लिए 900 रुपया फॉर्म फ़ी लगेगा। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद फाइनली आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस चालू होता है, जो कि MCC मेडिकल काउंसिल कमेटी के थ्रू होता है, MCC एक साइट है उसके थ्रू काउंसलिंग होता है, और फाइनली काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ता है, ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको मेडिकल कॉलेज अपॉइंट होता है।